अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा। पहले तो जितने भी कॉर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे तीन नोट्स पर मुश्तमिल थे, जैसे कि रूट, थर्ड और फिफ्थ। तो आज मैं आपको सेवन्थ कॉर्ड के बारे में बताऊंगा कि सेवन्थ कॉर्ड कितने होते हैं और मतलब उनकी क्या टाइप्स हैं। तो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करते हैं सी मेजर से। तो जैसे मैंने सी मेजर कॉर्ड का पहले भी बताया है, उसमें वो तीन नोट से बनता है, सी, और जी। अब इनको इन्वर्ट भी करेंगे, मतलब इन्वर्जन भी मैं बता चुका हूँ पहले लेसन्स में, तो भी ये रहेगा तो सी मेजर कॉर्ड ही। और सेकेंड इन्वर्जन जो है वो जी, सी और ई। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये इंटरवल्स हैं। मैंने जो इंटरवल्स का लेसन बनाया था, होल स्टेप या हाफ स्टेप का, तो उसमें ये देखा जाए तो बेसिकली इनमें आपस में कुछ खास किस्म का फासला है जो ये कॉर्ड को बनाता है। जैसे नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेजर स्केल का पहला जो नोट होगा उसे हम नंबर 1 कहेंगे, दूसरे को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इसी तरह से यहाँ पर सी जो हो गया पहला हो गया, 2 के बाद तीसरा ई, चौथा एफ और पांचवा जी, और इसी तरह चलता जाएगा। तो कॉर्ड कैसे बनता है? 1 पहले से, तीसरे से और पांचवें से। ये माइनर इस तरह होगा कि हम तीसरे को हाफ स्टेप पीछे ले आएंगे तो ये माइनर हो जाएगा। तो माइनर स्केल में ई फ्लैट होता है थर्ड जो है, तो तीसरा नोट स्ट्रक्चर तो वही रहे, 1, 3 और 5 वाला। अब सेवन्थ कॉर्ड जो है उसमें करना क्या है कि हमने सेवन्थ डिग्री मतलब सातवां नोट जो है वो इस कॉर्ड में हमने ऐड करना है, मिलाना है। उससे क्या होगा कि जैसे ये सी, ये तो हो गया फर्स्ट ट्रायड कॉर्ड जो तीन नोट से होता है, और अगर हम इसके साथ बी भी ऐड कर लेंगे, बी सातवां है स्केल का, तो ये हो जाएगा सी मेजर सेवन कॉर्ड, सी ई जी। ये तो सी मेजर कॉर्ड हो गया, और अगर हम इसके साथ बी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा सी मेजर सेवन कॉर्ड। अब कॉर्ड्स की जो मेजर जो सेवन्थ कॉर्ड है उसकी दो तीन किस्में हैं। पहली तो है मेजर सेवन जो मैंने आपको अभी बताई, दूसरी है डोमिनेंट सेवन। डोमिनेंट सेवन को हम सिर्फ सेवन्थ भी कह सकते हैं। जैसे अगर सी मेजर सेवन हो तो वो ये होगा, लेकिन अगर सी सेवन लिखा होगा शीट म्यूजिक में या लीड शीट में तो उसका मतलब है कि वो डोमिनेंट सेवन कॉर्ड है। और डोमिनेंट कैसे बनता है कि जब हम सातवें नोट को हाफ स्टेप पीछे ले आते हैं तो वो बन जाता है सी डोमिनेंट सेवन कॉर्ड। हालांकि ये सी मेजर में नहीं है, लेकिन अभी इस बात को आप इग्नोर करें, सिर्फ आप देखें कि सी डोमिनेंट सेवन कॉर्ड जो है, जिसको सी सेवन कॉर्ड भी कहा जाता है, वो किस तरह से बनता है। सी, और बी फ्लैट, ये हो गया सी डोमिनेंट सेवन कॉर्ड, जिसको सी सेवन कॉर्ड भी कह सकते हैं। अब जेन में आता है कि अगर सी यहां पर दोनों दफा हमने सी मेजर कॉर्ड प्ले किया है, आगे हमने ये नोट लगा दिया या ये लगा दिया, लेकिन फर्ज करें अगर हम सी माइनर कॉर्ड लेते हैं और यहां पर बी लगाते हैं तो फिर ये कौन सा कॉर्ड कहलाएगा? ये कहलाएगा सी माइनर मेजर कॉर्ड। ये तो हो गया सी माइनर, और ये साथ बी मिला दिया सेवन कोर्ड। लेकिन सी क्योंकि माइनर है, लेकिन ये जो सेवन है ये मेजर सेवन है, ठीक है? तो
तो ये हो जाएगा सी माइनर मेजर सेवन, मतलब माइनर मेजर सेवन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन है वही चीज, सी माइनर मेजर सेवन। इसमें नोट्स होंगे सी, ई फ्लैट, जी और बी, सी, ई फ्लैट, जी और बी, ये हो गया माइनर मेजर सेवन। अभी तक हमने तीन किस्में देखी हैं सेवन कोर्ड की, एक मेजर सेवन कोर्ड, एक डोमिनेंट सेवन कोर्ड और एक माइनर मेजर सेवन कोर्ड। लेकिन अगर हम माइनर कोर्ड में, माइनर कोर्ड प्ले, अगर हम सी डोमिनेंट सेवन कोर्ड प्ले करें, जैसे मैंने अभी बताया था जिसमें बी फ्लैट है, तो उसमें तो सी कोर्ड जो है वो ट्रायड, वो तो मेजर लग रहा है, लेकिन अगर इसको भी माइनर कर देंगे, जैसे सी माइनर कोर्ड के बाद हम ये बी फ्लैट ऐड कर दें, कि ये तो हो गया सी, ई फ्लैट, जी, ये तो सी माइनर कोर्ड हो गया, लेकिन अगर हमने सेवन को भी फ्लैट कर दिया तो ये हो जाएगा सी माइनर सेवन कोर्ड। तो आज मैंने आपको बताई है सेवन्थ कोर्ड की बनाने का तरीका और उनकी जो किस्में हैं वो। अब सेवन्थ कोर्ड इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, जो कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी अच्छा लगे, ये तो बहुत वसी टॉपिक हो जाएगा, वसी मौजू है ये। लेकिन देखें कि ज़्यादातर अक्सर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं टीचर पर हूँ नहीं, अक्सर व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स जब मुझसे पूछते हैं कि जैज़ का सिखाएं हमें, तो जैज़ की जो बुनियाद है वो सेवन्थ कोर्ड है, मतलब कि जैज जितना भी म्यूजिक है उसमें सेवन्थ कोर्ड जो है ना, ये चाहे ये सेवन हो, ये हो, कुछ भी, किसी भी किस्म का सेवन कोर्ड होगा वो उसकी बुनियाद है। तो जैज पर भी मैं आगे जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बताना था कि ये सेवन्थ कोर्ड बनाने का तरीका है। इसको इस तरह से भी प्ले कर सकते हैं कि बी को हम इन्वर्ट कर दें, जैसे कि इन्वर्जन वाले लेसन में बताया था, इसको भी इन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे ये सी और जी और ये बी है, हम ऐसे भी कर सकते हैं ई जी बी और ये सी, लेकिन देखें ये बी और सी इकट्ठा प्रेस करने से अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कहता कि इसको आप प्ले ना करें, मुमकिन है कहीं किसी ना किसी सिचुएशन पे अच्छा भी लगे, तो लेकिन ये गलत नहीं है बजाना, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ ऐसे। फिर इसको ऐसे भी इन्वर्ट कर सकते हैं, जी बी सी और ई, या सिंपली आप लेफ्ट हैंड में सी बजा लें और यहाँ पर अगर बी बजा लें तो भी वही बात है, लेकिन ये ओपन वॉइसिंग्स में आ जाएगा, या सी ऑक्टेव प्ले कर लें और यहाँ पर ई, ये देखें असल में हो क्या रहा है कि ये देखा जाए तो ये ई माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, लेकिन उसके साथ सी लगा दिया तो सी मेजर सेवन हो गया, काफी पेचीदा है ये काम। फिलहाल अभी आप ई माइनर कॉर्ड या इन चीजों की तरफ ना जाएं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो दिलचस्पी है वो इसमें बढ़े, तो इसको भी उसी तरह इन्वर्ट भी किया जा सकता है और प्ले भी कर सकते हैं इस तरह से। ये तो था सिर्फ तारो सेवन्थ कॉर्ड का। अब आपका असाइनमेंट जो है वो ये है कि आप दूसरी स्केल्स लें, मेजर स्केल्स या माइनर, जो भी जिस तरह से भी आपको आसानी लगे, और उस पर तजर्बा करें कि जो सेवन्थ डिग्री है वो अगर ऐड की जाए तो मेजर सेवन कोर्ड बनेगा, डोमिनेंट सेवन कोर्ड बनेगा और मेजर माइनर सेवन कोर्ड बनेगा और माइनर सेवन कोर्ड, ये चार किस्में फिलहाल मैंने ये चार बताई हैं, और भी होती हैं लेकिन जो ज़्यादा मैंने कॉमन हैं वो बता दी। तो लेसन ख़त्म करने से पहले सिर्फ इतना बता दूं कि सेवन्थ कोर्ड को ढूंढना आसान बहुत है, कि आप किसी भी मेजर स्केल में अगर आपने सेवन्थ कोर्ड बनाना है, फर्स्ट करें जी मेजर स्केल ले लें, तो जी बी डी, ये जी मेजर कॉर्ड है, तो जो पहला नोट है इससे हाफ स्टेप पीछे चले जाएंगे तो वो सेवन्थ कोर्ड बन जाएगा, लेकिन इसको बजाएंगे यहाँ पे, ये जी मेजर सेवन कोर्ड हो गया। तो इस तरह से आप तजर्बा करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।